नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो आज है 13 नवंबर, डिस्कस करेंगे आज की वे सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए तैयार की गई रैपिड सीरीज के बारे में, जो आपको एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 35% के डिस्काउंट के साथ में। और अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ कर देंगे, अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 684 रुपीज़ में, 684 रुपीज़ में, यानी आपके पास एक बेहतरीन डिस्काउंट होगा। तो यानी कि एक ऐसा पैक आपके पास तैयार होगा जो बहुत ही अच्छा है, और टीम ने बहुत ही लाजवाब काम किया इस पे। आप चाहें तो सैम्पल PDF पड़े हुए हैं, आप चैप्टर वाइज सैम्पल PDF भी चेक करके इसको और अच्छे से इवेल्यूट करके देख सकते हैं। आप इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं कि वाकई में कंटेंट में दम है या नहीं। ठीक, किसी के कहने से कभी कोई चीज़ मत खरीदिए, प्रूफ देखिए आप उस चीज़ के, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो आप ध्यान रखने वाले हैं, ये जो सर्टिफिकेट मिला है ये भोपाल को मिला है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, इसमें पिक में मैंने डाला हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली ये प्रमाण किस पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये FSSAI, यानी जिसका पूरा नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, FSSAI वो उसको बोलते हैं। ये जो है ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट का ही हिस्सा है। तो ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है, पहली बात तो किसके द्वारा दिया गया है? तो FSSAI के द्वारा। और ये उन स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। ईट राइट इंडिया ये सुनिश्चित करता है कि हमारा भोजन लोगों और ग्रह दोनों के लिए उपयुक्त हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये आता है। ये एक सामाजिक संस्था है जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में, इस प्रश्न में आपसे यहां पे बिल्कुल क्लियर पूछा गया, आप ध्यान देंगे इस चीज पे, कि हाल ही में रिलायंस द्वारा किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आप इस चीज को ध्यान रखना, तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी चेन्नई है, और चेन्नई में भी आप जगह देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने दे दिया, देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु के थिरुवेल्लूर जिले के मपेदू में, ठीक है। और जो कहाँ पड़ेगा आपका? चेन्नई में पड़ेगा ये। तो मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है इसको यहीं पे विकसित किया जाएगा। इसकी आधारशिला अगर देखोगे तो प्रधानमंत्री ने मई 2022 में रखी थी। देश भर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को जो है विकसित कर रहा है। कितने? 35 कर रहा है ये। आगे देखिए, आपसे यहाँ पे बात की गई है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है द टेक्नोलॉजी LOFT-ID, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट एंड इन्फ्लेटेबल डेसेलरेटर इज क्लेम टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर फ्यूचर मिशन टू टेक ह्यूमंस टू अदर प्लैनेट्स। इट हैज बीन डेवलप्ड बाई विच स्पेस एजेंसी? तो आप ध्यान रखना, इसे किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखने वाले हो। तो इसको किसके द्वारा विकसित कर दिया है? देखिए, ऐसी खुरापात मोस्टली कौन कर पाता है? तो नासा ही करता रहता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। नासा की अगर बात करोगे आप यहाँ पे, तो नासा का पूरा नाम है नासा, नेशनल एरोटिक्स एंड स्पेस, ये क्या है, इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसने क्या किया है, अभी जो वर्तमान पेलोड से ये कई गुना अधिक पेलोड लेके जा सकेगा, ठीक है। और ये पृथ्वी की कक्षा से वस्तुओं को वापस लाने और भविष्य में मंगल ग्रह पर चालक दल के मिशन को भेजने में मदद करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। और जाक्सा की अगर बात करोगी तो जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। अगर नासा का पूरा नाम देखोगे तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस है। चीन
चीन की बात करोगे तो चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और अगर बात करोगे इसरो की तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो दिवस से आता है, हाल ही में 10 नवंबर 2022 को किस राज्य द्वारा मिलेट बाजरा दिवस मनाया गया? तो आप ये चीज ध्यान रखने वाले हैं, ये देखो पिक में यहाँ पे क्लियर भी कर दिया आपको, है ना। तो ये किसने मनाया? उड़ीसा ने मनाया है, जानेंगे इसके बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो देखो एक क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के बाजरा उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, कोदो बाजरा और ज्वार। मिलेट लस मुक्त मोटे अनाज होते हैं, इनमें उच्च प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो मधुमेह रोकने या प्रतिबंध करने में मदद कर सकता है। इसमें दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आगे देखेंगे, वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो आप बिल्कुल पिक में ही क्लियर हो रहा होगा, इंडिया टू होस्ट, ठीक है। तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सी, यानी कि भारत। इससे पूर्व जो इंडिया है 2006 2018 में भी देश में महिलाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नई दिल्ली में कर चुका है। आप लोग ध्यान रखने वाले हैं कि भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द फोर्थ एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक इज स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 15 2022, यानी कि फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में जो है आपको डिटेल मिल गई है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपका काम है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, वो मिल गई है आपको, ठीक है। तो 15 नवंबर 2022 विल बी द आंसर। एंड यहाँ पे आपसे फिर डिटेल बताया गया है, जिसमें आपको बताया है कि ओलंपिक डबल मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल वीक के शुभंकर तूफान और तूफानी को लॉन्च किया। ये दोनों भारत के सबसे योग्य सुपर हीरो और सुपर वूमेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है 2019 में खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगर आगे थोड़ा और देखेंगे, सरकार को सलाह देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट पर 28 सदस्यीय जो है कमेटी भी बनाई गई थी, यानी एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। और इस समिति में ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और सरकारी अधिकारी और निजी निकाय तथा प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को भी शामिल किया गया था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस समिति के अध्यक्ष थे। इसका जो उद्देश्य था वो था स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच फिटनेस और खेल फिटनेस की आदतों को विकसित करना, जागरूकता को बढ़ावा देना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, विराट कोहली जो है वो पहले क्रिकेटर बने हैं T20 में 4000 रन बनाने वाले। आगे देखेंगे, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में रीजनल लेप्टोस्पायरोसिस डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी स्थापित की गई है? तो आप ध्यान रखना तमिलनाडु, क्योंकि इसी में ही इसके मामले जो है बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। तो तमिलनाडु विल बी द आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। लेप्टोस्पायरोसिस की अगर बात करोगे तो ये एक संक्रमण है जो लेप्टोस्पायरा कहे जाने वाले काकस्क्रू आकड़ा बैक्टीरिया से फैलता है। लक्षण में अगर बात करोगे तो हल्के फुल्के सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार से लेकर फेफड़ों में रक्तस्राव या मस्तिष्क ज्वर जैसे गंभीर लक्षण जो इसमें शामिल हो सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे बात की गई है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड निमोनिया डे वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली? तो आप ध्यान रखना, विश्व निमोनिया दिवस की बात की गई है, 12 नवंबर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 12 नवंबर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रेसिडेंट
प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 12 नवंबर का जो दिन होता है विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 12 नवंबर 2009 को ये ग्लोबल कॉलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। 2022 के अगर विषय की बात करोगे तो वो रहा है निमोनिया को रोकने की लड़ाई में चैंपियन बनना। आगे प्रश्न है, फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? तो आप ध्यान रखना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, गूगल। गूगल ने फ्लड हब भी लॉन्च किया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदर्शित करता है और दिखाता है कि बाढ़ कब और कहाँ आ सकती है। गूगल की अगर बात करोगे तो इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ठीक है। अभिभाग संगठन है इसके अल्फाबेट इंक। और अगर बात करोगे आप इसकी स्थापना तो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय इसका जो है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में, और सीईओ है इसके सुंदर पिचाई। अब वो सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके लिए अत्यावश्यक है उनको हम वन लाइनर की फॉर्म में रिवाइज करेंगे। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो आप ध्यान रखना, ये जो मेले का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे प्रश्न आपके सामने, हाल ही में नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता? तो हरियाणा ने। आगे है, हाल ही में किसने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? तो सऊदी अरब ने जताई है। आगे प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में यानी 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो उड़ीसा ने। ये मैं आपको करा चुका हूँ आज की वीडियो में। हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखेंगे ये किसने किया है, कोटक महिंद्रा ने किया है। आगे है, हाल ही में अरुण मिलर किस अमेरिकी राज्य उपराज्यपाल का पद संभालने वाले पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो आप ध्यान रखेंगे, होल्गर रू ने। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो आप ध्यान रखना, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा में। और ये मैंने आपको लास्ट मंथ की वीडियो में ही कवर करा दिया था काफी डिटेल में। आगे प्रश्न है, किस राज्य में कृषि मेला और प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में। आगे प्रश्न है, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष 2000 सॉरी फिर से देखते हैं इसको, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो 2022। मैंने कल की वीडियो में काफी डिटेल में बताई है ये चीज। हाल ही में तोखू इमोंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया कहां? तो नागालैंड में। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अब आपसे मुलाकात करेंगे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।